अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहानआरास किचन। आज हम बनाएंगे डेविल चिकन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीका होता है। इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक होने के साथ स्पाइसी और टोमेटो सॉस वाला फ्लेवर आएगा, तो बहुत ही यमी रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेविल चिकन की रेसिपी। डेविल चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg बोनलेस चिकन। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच टोमेटो सॉस, 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब हम इन सबको चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैरिनेट किए हुए चिकन को हमें 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख लेना है। 1 घंटा हो चुका है। अब हम एक सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक खाली कटोरी में 4 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस को डाल लेना है, उसके साथ 2 बड़ी चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस। अब हम इन सबको एक साथ मिला लेते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ। अब हमें क्या करना है, चिकन को फ्राई करके निकालना है। तो मैंने यहाँ पर तेल पहले से डाल ली है और हमारा तेल भी अच्छा गर्म हो चुका है। तो एक एक करते हुए चिकन को डाल लेते हैं, मैरिनेट चिकन को, और इसे हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। स्टोव को हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही रखें और चिकन को हमें हल्का सा लाल करके निकाल लेना है, यानी हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। चिकन का कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो चुका है, हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद कढ़ाई में जो तेल है, हम थोड़ा सा तेल बाहर निकाल लेंगे और हमें सिर्फ 2 चम्मच के करीब तेल चाहिए। तो हम सारा तेल निकाल लेते हैं और 2 चम्मच के करीब हम तेल कढ़ाई पर रख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर स्टोव का फ्लेम लो कर लेना है और इस गर्म तेल में 4 हरी मिर्च को बीच से काट कर डाल लें, उसके साथ 4 से 5 लहसुन की कली को भी बारीक काट कर डालना है और कुछ करी पत्ते को डाल लेना है। अब हमें इन्हें 1 मिनट के लिए तेल में हल्का सा भून लेते हैं। हरी मिर्च लहसुन का कलर चेंज होते ही हमें यहाँ पर 1 प्याज, 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च को बारीक काट कर डाल लेते हैं। आप चाहें तो जिस तरह का भी शेप में काट कर डाल सकते हैं। तो चलिए इन तीनों को हमें हल्का सा तेल में भून लेना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, 1 छोटी चम्मच के करीब नमक डालना है, उसके साथ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। अब हमें इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं वेजिटेबल के साथ। अब हम यहाँ पर सॉस डाल लेते हैं, हमने जो सॉस बना कर रखा हुआ है तीनों को मिक्स करके। अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं और इसे हमें वेजिटेबल के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। जब हमारा वेजिटेबल थोड़ा सा हल्का सा नरम हो जाएगा, हम उस पर चिकन डाल लेंगे, हमने जो फ्राई कर रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर चिकन डाल लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से वेजिटेबल के साथ मिला लेते हैं। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है चम्मच चलाते हुए और हमारा डेविल चिकन जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हरी धनिया को बारीक काट कर डाल लेते हैं। अब हम स्टोव को ऑफ कर लेते हैं। हमारा डेविल चिकन बिल्कुल तैयार है। इस डेविल चिकन में हमने कुछ भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। डेविल चिकन में तीखा फ्लेवर ज़्यादा रहता है, इसमें टोमेटो सॉस का फ्लेवर ज़्यादा हम ऐड करते हैं और उसके साथ चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर का भी टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। बहुत ही अलग यूनिक टेस्ट है इसका, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल को अब तक आप सब सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक बेल आइकन आता है उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी सच में आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।